और गलवान घाटी में हुई चीन से झड़प में मध्य प्रदेश के रीवा का जवान भी शहीद हुआ है। उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम फरीदा पहुंचा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी बड़े नेताओं और अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने घोषणा की है शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपए मकान और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज ये फरीदा गांव धन्य हो गया, यहाँ की धरती धन्य हो गई, रीवा जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता।